बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीके कुक फूड में मैं आज आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो व्यूवर्स, तो आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हूँ। जैसा कि आप सब लोग ही अपने घर में शामी टिक्कियाँ जो है वो बनाकर रखते हैं, फ्रोज़न करते हैं, जिससे काम बहुत ज़्यादा आसान होता है, चाहे गेस्ट के आगे सर्व करें, चाहे आप इसे टी टाइम के वक्त यूज़ करें, चाहे आप बच्चों को लंच में दें सैंडविच के तौर पर बर्गर बनाकर। तो मैं आज इनकी रेसिपी, बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ शामी टिक्कियों की। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है, बीच में चिकन भी नज़र आ रहा है और शामी भी। तो आपको मैं बताती हूँ कि रेसिपी मैंने किस तरह से तैयार की है इसकी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो यहाँ पर चनों की दाल है, जिसे मैंने साफ़ करके धोकर भिगो दिया था तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए, आपने लाजमी भिगोना है। और 2 किलो मुर्गी का गोश्त है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मुर्गी का गोश्त मिक्स लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी डाल सकते हैं। 20 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 साबुत लहसुन थे जिनके मैंने जवे तकरीबन 20 से 25 अदद यहाँ पे छीले हुए लहसुन के जवे हैं, 2 साबुत प्याज हैं मीडियम साइज़ के जिनका मैंने छिलका उतार के यहाँ पे रख लिया है, 1 मीडियम साइज़ के अदरक का टुकड़ा था, बड़ा स्लाइस था जिसके मैंने 4 स्लाइस कर लिए हैं छोटे। साबुत मसालों के अंदर यहाँ पर मैंने काली मिर्चें ली हैं 10 से 15 अदद, 3 बड़ी स्टिक यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं, 6 से 7 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च जिसे हम दरा मिर्च कहते हैं वो यूज़ की हैं, और यहाँ पर मैंने 6 से 7 लौंग लिए हैं, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 साबुत बड़ी इलायची ली है। स्पाइसेस के अंदर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, नमक मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर साबुत धनिया है सूखा हुआ, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अगर आपके पास साबुत सूखा धनिया नहीं है तो आप पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था, उसके अंदर 15 मिनट का प्रेशर लगाने से दाल और चिकन आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब इसे मैंने खुले बर्तन में डाल के रख दिया है, जैसे ही सारा मेज़ा ठंडा होगा तो इसके अंदर से मैं हड्डियाँ अलग कर लूँगी और इसको सारा जो है चॉपर में चॉप करके तो फिर शामी तैयार करेंगे। तो अभी इसको मैं अच्छी तरह से खुले बर्तन में डाल के पंखे के नीचे रख दूँगी, तो ये सारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर से मैं हड्डियाँ वगैरह निकाल लूँगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। जी व्यूवर्स, मैं ये दाल के अंदर में से सारी जो हड्डियाँ हैं वो मैंने निकाल कर इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। मैंने इसको चॉपर में नहीं पीसा, जिसे हम सिलबट्टा कहते हैं, मैंने उसकी मदद से इसको पीसा। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा चिकन हमारा बिल्कुल जो है रेशे रेशे अलग अलग से हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या डालना है। इसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने छुरी से चॉप कर लिया है, आप पीस भी सकते हैं। तो ये डाल दूँगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसके अलावा 2 बड़े चम्मच ऑयल के हैं, ये मैं शामिल कर दूंगी।
और इसके अलावा मैं 1 टीस्पून गरम मसाला, बस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा अब इसके बाद कुछ भी नहीं हमें शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद शामियां बनाकर आप इसे 1 महीने के लिए फ्रोज़न करके रख सकते हैं। शामी बनाने से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। समटाइम घर में ऐसा सालन बना होता है कि जिसे कुछ पसंद नहीं भी किया जाता, नहीं खाया जाता, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, तो आप इजीली शामी वगैरह निकाल कर तो आप इसे फ्राई करके रोटियों के साथ खा सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के तौर पर सैंडविच के तौर पर यूज़ करें, बर्गर्स के तौर पर यूज़ करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या बच्चों को इवनिंग स्नैक्स के तौर पर दें शामी वगैरह फ्राई करके, तो ये बहुत इसे काम ईजी हो जाता है। ये बनी हो तो बस आपने निकालनी है और इनको फ्राई करना है। तो 1 मंथ के लिए आप इजीली इसे स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज में फ्रीज़र कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो अभी आप ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये इस तरह से करेंगे, रोलिंग करते जाएंगे इसको। ये देखें इस तरह से तेली पर रख के एक गोल सा पेड़ा टाइप बना लेंगे और ये शामी हमारी तैयार है इस तरह से। तो इसको मैं इसी तरह से सारी शामियां जो हैं वो तैयार करके आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, तमाम शामियां मैंने बनाकर फ्रोज़न कर दी हैं और ये चंद मैंने आपको फ्राई करने के लिए दिखानी है कि मैंने इसको फ्राई कैसे करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इनको मैंने बनाकर फ्रीज़र में रख दिया, तो कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो आए अब इनको मैं आपको फ्राई करना सिखाती हूँ। इनको फ्राई करने के लिए सिर्फ मैं एक अंडा लूँगी, उसको फेंट कर इसमें डिप करके इन्हें फ्राई करूँगी। इस तरह से एक अंडा लेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें नमक वगैरह या मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन मैं इसको सिंपल करूँगी क्योंकि मेरी शामियों में नमक मिर्च है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें नमक मिर्च डाल सकते हैं। तो आप इनको मैं इसके अंदर डिप करके फ्राई करूँगी। तो जी व्यूअर्स, पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाएंगी। इस तरह से ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसको मैं फैला लूँगी इस तरह से। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामियाँ डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब शामियों को मैं एक एक करके अंडे में डिप, ये देख सकते हैं आप इस तरह से अंडे में डिप करके डालती जाऊँगी। नीचे से फ्लेम आपने ऑयल गर्म करके अपनी जो है मीडियम लो कर देनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर करेंगे तो शामी जो अंदर तक फ्राई नहीं होंगी, बस बाहर बाहर से जो अंडा है वो फ्राई हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप एक बार शामियां बनाएंगे तो चाहे गेस्ट वगैरह आए, चाहे कभी सालन नहीं भी कुछ खाने को दिल करता, आप इसके बर्गर्स बनाएँ या आप इसको सैंडविच के तौर पर यूज़ करें, गेस्ट के आगे चाय के साथ सर्व करें। तो ये बनी हो तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं इनको फ्राई कर दूँगी। अब जैसे ही इस दूसरी साइड से इनको कलर आएगा लाइट गोल्डन ब्राउन, तो मैं दूसरी साइड जो है चेंज कर दूँगी। जी व्यूवर्स, मैं ऐसे साइड इनकी चेंज कर रही हूँ, ये देखें कलर आना स्टार्ट हो गया। मैंने नीचे से जो अपनी फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखी हुई है। ये देखिए दूसरी साइड से इनको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करूँगी और फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। जी व्यूवर्स, शामी जो है वो फ्राई होके रेडी हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक लग रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना है और मेरे चैनल पीके कुक फूड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।